कि जब बहुजन पे इस तरीके की आंच आई, सारा समाज एक हो गया, सारे संगठन एक हो गया, आपका क्या मानना है? देखिए, पहले तो मैं पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि न तो कोई नेता है, न कोई पार्टी है, न कोई नेतृत्व है, उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में पूरे देश में लोगों ने जो 2 तारीख का भारत बंद का आह्वान था उसको पूर्ण रूप से सफल किया है। उसी कड़ी में ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, जिसकी 3.5 लाख की मेंबरशिप है, उसमें से 1.5 लाख लोगों ने, कर्मचारियों ने लगभग छुट्टी ली है आज, और उस छुट्टी को लेकर के भारत बंद में सहयोग किया है। और उसी भारत बंद सहयोग में हमने ये आह्वान किया है अपने लोगों से कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है, अगर उसको नुकसान होता है तो दलितों का नुकसान होता है। अब ये भारत बंद क्यों किया गया, इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी गत 20 मार्च को एक सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों की बेंच है, उसने एक निर्णय दिया है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989, जिसमें उन्होंने बदलाव करने का प्रयास किया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी कोई पावर नहीं है कि उस एक्ट में कोई बदलाव कर सके। उसमें जो उन्होंने व्याख्या दी है वो एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही दर्दनाक व्याख्या है, क्योंकि हमारी समाज की बेटियों का बलात्कार होता रहेगा, रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी, हमको जाति सूचक शब्दों से बोला जाया करेगा, लेकिन उसमें कोई रिपोर्ट दर्ज तब तक नहीं होगी जब तक उसकी कोई इंक्वायरी ना हो जाए। जबकि ये जो अत्याचार निवारण कानून है, SC ST Atrocity Act, ये कई बार सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी ऑलरेडी चेक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये सिद्ध कर दिया है कि अत्याचार निवारण कानून 1989 है वो इस समाज को, इस जो लोग, समाज के लोग हैं उनकी अपग्रेडेड करने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए है। और उसी क्रम में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि मिसयूज हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस एक्ट का अभी तो यूज ही नहीं हुआ, मिसयूज कहाँ से हो गया, मिसयूज होने का सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ तक सोशल स्टेटस को बढ़ाने वाली बात है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम बने थे, उस समय संपूर्णानंद की मूर्ति को उन्होंने अनावरण किया था, और जब उन्होंने अनावरण किया तो एक दलित के द्वारा अनावरण किया गया था, जबकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरकार का, बाबू जगजीवन राम। तो उस मूर्ति को, संपूर्णानंद की मूर्ति को गाय के दूध से, गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से धोया गया, यानी कि एक जानवर का गोबर पवित्र हो सकता है और एक अछूत के हाथ जो है अपवित्र हो सकते हैं। क्योंकि बहुत अच्छी बात कही आपने, जानवरों के लिए तो एक्ट बन सकता है, गाय के लिए एक्ट बन सकता है, लेकिन जो समाज है, जो जीवित समाज है, उनके एक्टों को खत्म किया जा रहा है। देखिए, ये जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये धीरे धीरे संविधान में छेड़छाड़ करने वाली बात है, ये संविधान को बदलने की प्रक्रिया में एक क्रम है कि कोर्ट के द्वारा इस तरीके की निर्णय कराए जाएं जिससे कि जो समाज है वो स्लो पॉइजन में धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, और फिर हम उसको संविधान को धीरे से बदल करके, समीक्षा करके हम दूसरा संविधान ले आए। मैं ये कहना चाहूँगा, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मतलब लगन से इस संविधान को तैयार किया है, और एक ऐसा संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है कि वो संविधान के तहत पूरे देश के जो जितने भी धर्म जाति के लोग हैं वो एक सूत्र में बंधे हुए हैं, और हमारा देश भी एक सूत्र में बंधा हुआ है, नहीं तो किसी और ने बनाया। कोशिश पहले भी की गई थी बाबा साहब से पहले, लेकिन वो देश का संविधान नहीं बना पाए थे, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जिन्होंने संविधान बनाया था, और उस संविधान के तहत बहुत सारी ऐसी उन्होंने आर्टिकल दिए हैं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के फेवर में है, उनको सम्मान दिलाने के लिए है, और आज उन पर प्रहार हो रहा है। आज लगा सरकार को कि जो आज बहुजन समाज के लोग सोए हुए थे, आज पूर्ण रूप से जागरूक हो चुके हैं और आगे संविधान पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लगता है? देखिए, मैं जो केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का प्रयास किया है, याचिका दायर की है, मैं इसके लिए तो धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने जो इसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया है, अगर पुनर्विचार याचिका जाएगी तो मैं समझता हूँ पुनर्विचार याचिका उन्हीं जजों के पास जाएगी जिन जजों ने ये निर्णय दिया है, तो उस पर क्या निर्णय लेंगे। मैं तो ये अनुरोध करता हूँ, भारत में
बताया है कि पुनर्विचार के लिए जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के कोई फैसले सुनाता है तो सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है। सरकार अपने एडवोकेट जनरल को भेजती है, सॉलिसिटर को भेजती है, अटॉर्नी जनरल को भेजती है, लेकिन सरकार की इसमें क्या मंशा रही उन्होंने किसी को नहीं भेजा। देखिए ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब सरकार के खिलाफ और खास करके कोई एक्ट जो एक बहुत संवेदनशील समाज के लिए एक्ट बनाया गया हो उसकी जो पैरवी करने के लिए सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट जनरल जो बड़े बड़े अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए उनको जाना चाहिए था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें कोई ऐसा एडवोकेट खड़ा नहीं हुआ कि जो उस एक्ट के बारे में बता पाए कि ये एक्ट क्यों बनाया गया था और इसको 26 जनवरी 2016 में जो प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मजबूत करने का काम किया, लेकिन एडवोकेट जनरल ने न जा करके किसी छोटे मोटे वकील को भेज दिया जिसकी वजह से वो अपनी बात को सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं रख पाए और उसके खिलाफ निर्णय हो गया। और इस केस में जो एमिकस एडवोकेट नियुक्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्होंने ही अदालत को कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। एमिकस एडवोकेट की जिम्मेदारी ये होती है कि भाई समाज के साथ जो हो रहा है दुर्व्यवहार उसको प्रॉपर रूप से उनको बताए, लेकिन ये न बताते हुए उन्होंने इस एक्ट के खिलाफ अपना क्वेश्चन और करूँगा आपसे। अशोक जी 445 विधायक हैं और 134 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें सांसद कहा जाता है, जिसमें से 78 जो बाबा साहब को मानते पूर्ण तरीके से, उनमें से एक महामहिम है राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, इनके होते हुए संविधान के अंदर संशोधन हो रहा है तो हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं? देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई किसी तरीके का जो कानून है जो देश में कानून बनाए गए और खास करके उस समाज के लिए कानून बनाए गए कि उनकी दशा और दिशा सुधरे, अगर उसमें कोई छेड़छाड़ हो रही है, अगर उसमें कोई बदलाव हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसको निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पुनर्विचार याचिका हम लोग भी चिल्ला रहे हैं, सरकार भी कह रही है पुनर्विचार याचिका, मैं तो सीधी सीधी मांग करता हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि उन दोनों जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहिए पार्लियामेंट में, महाभियोग लाना चाहिए और उन दोनों जजों को हटाना चाहिए जिससे कि आगे आने वाला कोई भी जज अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी मुकदमे में इस तरीके का निर्णय न दे पाए कि जिससे कि समाज का अपमान हो और समाज को मतलब पूर्ति न हो। बहुत अच्छी बात है कि आज सभी समाज के लोग जाग चुके हैं और उन्होंने बताया है कि जो इस तरीके का जो जजमेंट दे रहे हैं और उस तरीके जजमेंट नहीं दे पाएंगे अगर हमारे सांसद राष्ट्रपति अगर उन पर रोक लगाएंगे। जी सर, इसी क्रम में हमने 4 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 3 बजे सारे एक दलित संसद बुलाया है जिसमें सारे दलित सांसद हैं उनको आमंत्रित किया है, जो वर्तमान में हैं उनको और जो पूर्व के सांसद हैं उन सभी को आमंत्रित किया है। हम ये बताना चाहेंगे सांसदों को कि भाई जो ये जजमेंट हुआ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है, आप इस पर पार्लियामेंट में बहस कीजिएगा। आपको लगता है वो सांसद आपके मंच पर आएंगे? देखिए हमारा प्रयास ये है कि हम सांसदों को आमंत्रित करें क्योंकि वो दलित समाज के लोग हैं। एक मिनट, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण को देकर के सांसद बने हैं, न कि ये अपनी कोई खैरात से बने हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो ये चपरासी बनने लायक भी नहीं थे, ये सांसद बने हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से बने, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है। कोई समाज का कोई संगठन अगर कोई ऐसा कार्यक्रम कर रहा है जिसमें हम समाज के बहुत सारी चीज़ों को उनके सामने लाएँ तो उन्हें आना चाहिए, हमने आमंत्रित किया है, कई सांसदों ने कंसल्ट भी दिए और मुझे उम्मीद है कि उसमें बहुत सारे सांसद जो ये दुख दर्द है समाज का, जो पीड़ा है, इसको सुनने के लिए आएंगे। अभी सर अभी एक सांसद आए थे यहाँ पर जनक लाल चमार, वो बार बार बीजेपी की बात कर रहे थे तो उनको मंच पे लोगों ने बोलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो सत्ता में रहकर और जो पार्लियामेंट में इस बात को नहीं उठा सकता वो मंच पर आके इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए सर ऐसा है कि मैं वो सांसद हैं, मैं उन्होंने जो भी बात उठाई है, अभी कल लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा रैली हुई
जो सांसद हैं माननीय सावित्रीबाई फूले, लगभग 1,00,000 लोग वहाँ एकत्रित हुए थे और उन्होंने खुले मन से भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हुए कहा कि मेरी जवाबदेही पहले संसद में नहीं, पर मेरी जवाबदेही पहले जनता में बनती है, और मेरी जनता के खिलाफ कोई आदेश इस तरीके का होता है या मेरे समाज के खिलाफ कोई इस तरीके का व्यवहार या अत्याचार होता है, संविधान से अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो मैं पहली सांसद हूँगी कि मैं इस्तीफा दे करके आपके साथ लड़ूंगी। और उस रैली में लगभग 1,00,000 लोग थे जो कल रैली हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि समाज के दर्द को समझने के लिए बाबा साहब के आरक्षण से जो सांसद बने हैं, हो सकता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई की हो, लेकिन बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के, बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए, मैं सांसदों से आह्वान करूंगा कि ये मुद्दा ऐसा है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिलाना चाहते हो और आप खुद सम्मान लेना चाहते हो तो हमारे साथ आपको आंदोलन में उतरना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। धन्यवाद सर।